अच्छा, ये जो आपका देश प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है, मैं देख रहा था आपकी ट्विटर वॉल देख रहा था, उसमें तमाम सारी चीज़ें थी। वो लोग कहते हैं कि ये आपका राष्ट्रवाद, ये जो है वो कुछ फ़र्क है, मुख्तलिफ है दूसरे वाले से, जिसमें बैलेंस है, बैलेंस होना चाहिए, वो ये कहते हैं। आपका राष्ट्रवाद कुछ अलग है, ऐसा देखती है या कि नहीं ये बेकार की बात है, राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद होता है। देखिए, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एक बात समझ आती है कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, वो जो अपने देश के लिए उसको प्रायोरिटी रख के चलते हैं, और एक उस टाइप के होते हैं जिनकी प्रायोरिटी या तो अपना रिलीजन या अपने यू नो लाइफ या अपनी सेक्सुअलिटी या अपनी फैशन या अपनी ये सब, मतलब उनकी एक लिस्ट होती है प्रायोरिटीज़ की। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में हिंदू मुसलमान होते हैं या सिख या ईसाई होते हैं या जूज़ या क्रिश्चियंस होते हैं, मुझे लगता है दुनिया में या तो देशभक्त होते हैं या जो देशभक्त नहीं होते हैं, बस या तो दो ही लोग हैं, या तो देशभक्त होते हैं। मैं बहुत ही एक साधारण सोच रखने वाली हूँ, मेरी सोच बहुत साधारण है, तो मेरे लिए दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं। ये जो बातें बनाते हैं ना, बैलेंस बनाओ, ये करो वो करो, उन लोगों के पास लंबा लिस्ट है। मिसाल के तौर पे सेकुलर होना, हाँ, ये लोग बातें बनाते हैं ना, घुमाते हैं ये लोग, सेकुलर होना, अगर देश पे अटैक हो जाए तो एक थप्पड़ एक गाल पे पड़ दो, दूसरा थप्पड़ भी दे, गाल भी दे दो। वो तो गांधी जी ने कहा था, नहीं ये वो तब तक कह रहे हैं, वो तब तक कह रहे हैं जब तक पड़ोसी के गाल को थप्पड़ पड़ रहा है, जब अपने गाल पे थप्पड़ पड़ेगा तो वो नेता बोस के फिर वो तक में सुनाएंगे कि मेरे घर की चीज़ें अब लेके जा रहे हैं, मेरी बहू बेटियों को लेके जा रहे हैं, तो अब वो लोग हिंसा करेंगे। तो ये दोगले लोग हैं, जब तक पड़ोसी के साथ ऐसा हो रहा है, जब तक सरहदों पे सैनिकों का खून बह रहा है, तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, तब तक वो इस तरह की बातें करते हैं कि हम लोग जो है वो, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके जो सिविलियंस हैं इनकी ये तो बड़े प्यार करते हैं भारत को, इस तरह के वो आपको डिफरेंट कई चीज़ें बताएंगे और आपको गिल्ट फील कराएंगे कि आप में जो है, जब दूसरा देश आपको दुश्मनी कर रहा है आपसे, आप में जब दुश्मनी की भावना आती है उनसे लड़ने की, जो कि आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, हर इंसान में होना चाहिए और होता ही है, अगर आपको आप उसको मेंटल स्ट्रक्चर से दबाएंगे नहीं, मेंटली उसको सप्रेस नहीं करेंगे, तो एक ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रिमिटिव टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन इज टू सर्वाइव। और धर्म भी कहता है अपने प्राणों की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है, ये धर्म कहता है। बिल्कुल। तो जब भी कोई इंसान आपको ये एनो तेनो करते हैं ना, तो उनका मतलब यही होता है, एक तो एसेंशियली कावर्ड्स होते हैं, नंबर वन, नंबर टू एसेंशियली वो सेल्फिश होते हैं। जब तक दूसरे की इज्जत लुट रही है, दूसरे की बहन बेटियां मर रही हैं, तब तक वो आपको लेक्चर देंगे। और नंबर थ्री वो किसी के नहीं होते, ना वो अपने देश के होते हैं जिसकी मिट्टी का वो खाते हैं, ना वो मातृ ऋण समझते हैं, ना मातृभूमि का ऋण समझते हैं, ना पित्र, ना वो किसी के दोस्त होते हैं, वो किसी के भी नहीं होते हैं। मुझे मालूम है कि आपसे मुझे सवाल पूछना है, लेकिन इन्होंने जहां पे सवाल खड़े कर दिए ना, वहां पे मुझे इन्हीं से सवाल पूछना पड़ेगा, तो यानी पानी पीने के ही बात पूछेंगे। वो जो सवाल पूछते हैं स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे, वही लोग जिनकी तरफ इशारा कर रही हैं आप ना इतनी देर से। मैं इशारा नहीं करी, मैं सीधा बोल रही हूँ, इसमें इशारे वाली की बात अब रही नहीं। यही तो कंगना तो यही है ना, ये वाइटर है, उन्होंने इशारा नहीं कर रही, मैं सही बोल रही हूँ। हाँ जी सर, हमें यही इसी बात का दुख है, इसी बात का जो है कष्ट है कि जो हमारे सैनिक जब सरहदों पर लड़ते हैं, तो हमारा सैनिक पूछते हैं, मैं भी टीवी पे डिबेट एक दो बार जब मैंने देखी, तो वो पूछते हैं कि जो बॉलीवुड है ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, अपना प्यार, अपना आर्टिस्ट का जो एक प्यार है वो पाकिस्तान को दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है, क्रिकेट जो है वो गले लग रहे हैं, क्रिकेटर्स जो हैं उनके गले लग रहे हैं, दोस्त बन रहे हैं, तो क्या मेरी सिर्फ दुश्मनी है क्या, और पूरे भारत की किसी की दुश्मनी नहीं है तो क्या पाकिस्तान, मैचेस नहीं होने तो चाहिए। इसी के करके, इसी चीज़ को लेके हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कॉल्ड तेजस, कि क्या एक सैनिक की भावना होती है जब वो सरहदों पे रुकता है, तो उसका जो मनोबल होता है कैसे, जो भारतीय है वो कैसे मनोबल गिरता है उस सैनिक का, जब आप पीछे से ऐसी बातें करते हैं, आप नेशनल एंथम पे खड़े नहीं होना चाहते, आप जो है वो जब हमारे सोल्जर्स वहाँ पे
जो बहादुरी से लड़ रहे हैं, आप उनकी जो शौर्य है, उनकी जो वीरता है, आप उस पर क्वेश्चन करते हैं कि जो स्ट्राइक तो हुई नहीं, वो भग लिए वहाँ से। आप अपशब्द उनके लिए यूज़ करते हैं कि वो जो हैं वो वहाँ पे पिटे हैं, उनकी ये दुर्दशा हुई है। इस तरह की बातें करने से पहले कितनी गैर जिम्मेदारी बातें होती हैं, उसी उन्हीं बातों को दर्शाती हुई ये फिल्म है तेजस। और क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये आपको 27 अक्टूबर को आई थिंक जरूर हॉल में जाना चाहिए, तेजस को जरूर देखना चाहिए और फिर बात बनेगी।